नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता दूं कि वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं और कल यानी सोमवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा है, सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस तर्ज पर उन्होंने कहा है कि भारत तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। जिसके बाद से लगातार राजनीतिक गण और संतों के निशाने पर एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। मैं इस वक्त फेसबुक पर लाइव हूँ, अगर आप लोगों तक नेटवर्क कनेक्टिविटी अलाउ कर रही है तो आप भी जुड़ सकते हैं और मेरी चर्चा में अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो लगातार लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन पर भी आते दिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वर जिन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि वो चमत्कार दिखाते हैं तो आप आइए और उत्तराखंड की जोशीमठ की दरारें भरिए, लेकिन आज अभिमुक्तेश्वर ने कहा है कि उन्होंने किसी भी संत के लिए कहा है, न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री बल्कि कोई मौलवी हो, कोई पादरी हो, कोई भी हो, जो भी चमत्कार की बातें करता है वो हर किसी के लिए एक ही बात मैंने कही है, ना कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। उन्होंने कहा है कि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सबको उनका समर्थन मिलना चाहिए। इसके अलावा ओपी राजबसपा के अध्यक्ष, उन्होंने भी सोमवार को धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करने का हक हर एक को है। इसके बाद आज जब उनसे सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस पर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का हक है, उनका ये मतलब नहीं रहा है कि भारत से जो मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या फिर कोई अलग धर्म के हैं उनको यहाँ से हटाने का मकसद रहा हो। इसके अलावा जब धीरेन्द्र शास्त्री से भी इस बारे में सवाल किया गया कि आपने किस आधार पर यह कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उन्होंने कहा है कि जब 40 से भी ज़्यादा देश इस्लामिक स्टेट हो सकते हैं, मुस्लिम देश हो सकते हैं, तो एक भारत हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ से मुसलमानों या ईसाई धर्म या फिर अन्य धर्म के लोगों को यहाँ से हटाने की बात करें। उन्होंने कहा भारत में जन्मा हर व्यक्ति सनातनी है और उसका वो चाहे आगे किसी भी धर्म में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो संविधान के विरोध में। उन्होंने कहा संविधान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान भारत का संविधान उस पर उन्हें गर्व है, अभिमान है और भारत के संविधान को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही वो भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति वो हिंदू है, वो सनातनी है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से लगातार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सुर्खियों में, चर्चा में हैं, लोग उन्हें लगातार चैलेंज कर रहे हैं। जब से उन्होंने नागपुर के एक दरबार को छोड़कर भागे थे, ये उन पर आरोप लगा था, उस संस्था की तरफ से आरोप लगा था। हालांकि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण इस बात को लेकर दिया गया था कि उन्होंने कोई भी दरबार छोड़ा नहीं है, उनके पास 11 जनवरी तक का ही समय था। हालांकि वो संस्था जो थी वो और 2 दिन बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन उसके बाद उनके पास समय की कमी थी इसलिए वो वापस से रायपुर आ गए, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रोग्राम ऑलरेडी स्केड्यूल था तो उसे वो स्थगित नहीं कर सकते, तो उनके इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया था। इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों में ने कईयों ने देखा होगा कि मीडिया चैनल्स पे बहुत सारे माइंड रीडर्स को, मैजिशियन को बुलाकर जादू या फिर माइंड रीडिंग दिखाई जा रही है, उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो माइंड रीडर्स होंगे, उन्होंने कांच और मणि का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कांच चमकता बहुत अधिक है लेकिन वो चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन मणि चमत्कारी होती है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान हनुमान जो हमारे ईष्ट हैं, हमारे बालाजी जो हमारे ईष्ट हैं, वही उनकी वजह से ही हमें ये सिद्धियां प्राप्त हैं। ये सब धीरेन्द्र शास्त्री के तर्क है, अब कितनी सच्चाई है, कितना इसमें छलावा है, वो तो जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बने, जिस तरह से हर कोई उन पर वैसे समर्थन अब उनका अधिक होने लगा है, अब वो किस वजह से, वो सनातनी यूज़ करने की वजह से है या फिर और कोई कारण है, ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं धर्म के मामले में राजनीति नहीं करना चाहता, मैं एक सच्चा सनातनी हूँ, मैं भगवान हनुमान का भक्त हूँ और बचपन से ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, इसी के कारण और यही कारण है कि मुझे हनुमान भगवान की तरफ से, हमारे इष्ट की तरफ से ये सिद्धि मिली है। जब उनको उनके चैलेंज को लेकर लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आपको बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका सीधा सीधा यही जवाब है कि मैं अपने बागेश्वर धाम पीठ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, अगर किसी को कुछ
एक्सेप्ट करवाना है या फिर किसी को कुछ भी जानना है तो वो यहाँ पर दरबार में आ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंची होगी, तो आप भी यहाँ पर कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या फिर टिप्पणी आपकी डिफर करती है, उस बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर हमसे चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।